बच्चे लोग से पूछ सकते हैं पिछले आज फल मिला है खाने के लिए? फल मिला है बाबू? है फिर मुंडी हिला रहे हैं आप? दिस इज नॉट गुड। नहीं नहीं ऐसा नहीं है ये, आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको हम। आप बच्चों को गलत बोलने के लिए सिखा रहे हैं आप? यही आपका संस्कार है, यही पढ़ाएंगे आप बच्चों को? ऐसा कुछ नहीं है। आप मुंडी हिलाए कि नहीं हिलाए अभी आप? नहीं सुनिए ना, पहले आप सुनिए, ध्यान से सुनिए। जैसे कि आज मैम को थंब में जाना था ना, तो मैम को याद नहीं। सुनिए ना, जो आप कर रही है ना, हम डेली 50 स्कूल का रिपोर्टिंग करते हैं, मुंडी हिला के बोल रहे हैं कि आप इशारा कर रहे हैं कि बताइए कि बच्चों को फल मिला है आज? आप ज्ञान दे रहे हैं आप? नहीं वैसे है? नहीं सुनिए, कभी नहीं, गलत बात है। पिछले हफ्ते आप फ्राइडे को मिला था ना? मिला था। आप दिखलाइएगा मैडम, मीनू मीनू दिखलाइएगा मीनू का चार्ट में क्या क्या है खाना बच्चों को। चार जोड़ दू क्या होगा? कोई बात नहीं, ठीक है, घबरा रही होंगी, मानते हैं कि आप पढ़ाती होंगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ईमानदारी से बोलना सीखिए। क्लास में पढ़ती है बेटा? बढ़िया से। किस क्लास में पढ़ती है? ये लोग तो छोटा ही क्लास है ना, फाइव क्लास। कितना आप मैडम चुन रहे हैं, कितना क्लास में पढ़ते हैं आप? एट। तुम किस? एट में पढ़ती हो? तुम सालनी हो ना? सालनी है, एट क्लास में है ये। ये एट क्लास की बच्ची है? अब बताओ। नहीं मैडम, इसके ये गलती इसका नहीं मैम, आप खुद एट क्लास का स्टूडेंट है और चार और दो नहीं पता। आप एट क्लास में पढ़ती हैं? अच्छा, 12 + 12 क्या होगा? इसे आप ये लोग से पूछिए। मैडम देखिए ना, ये अगर मैं भी डर नहीं, आप उस पर ध्यान दे रहे हैं, इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? ये देखिए सर, अब हम ईमानदारी से बताते हैं। आज का मेन्यू देख लीजिए, शुक्रवार है आज ना, पुलाव, काबली चना, लाल चना का छोला प्लस सलाद, अंडा फल। प्रभार में कौन है मैडम, बताइए आप? आज क्या बनाया बच्चों के लिए? झूठ मत बोलिएगा, आप सही से बोलिएगा, जो भी बना होगा। आप एक शिक्षक हैं, झूठ मत बोलिएगा। झूठ क्यों बोलेंगे? तो क्या बना है बोलिए? आज चावल है और उसमें छौंका डाला गया था। पुलाव है कि चावल है, सो बताइए। चावल है। पुलाव मेन्यू में क्या है, चावल है कि पुलाव है? अब आपका आवाज़ नहीं निकल रहा। क्यों नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभार में आप हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैम, अभी जस्ट ही निकली हैं। आप बीपीएससी से हैं? बीपीएससी से हैं क्या हैं आप? नहीं नहीं, अभी हम लोग का हुआ ही है, आए हैं। ट्रेनिंग में आए हैं? हाँ नहीं। हाँ नहीं, आप सही सही बताइए ना। नियोजित शिक्षक हैं, बीपीएससी से हैं? नहीं हम लोग अभी आए हुए हैं, टीचर ही हैं। क्या क्या बीपीएससी से हैं? बीपीएससी से ही आए, नए टीचर हैं। तो झूठ बोलने के लिए सीखे हैं? बिल्कुल नहीं, हम कहाँ बोल रहे हैं कि हम आए नए टीचर हैं, अभी जस्ट हम लोग का जो बहाली। पूछ रहे हैं कि मेन्यू में क्या है आज? आज हम लोग का मेन्यू में पुलाव और चना है। पुलाव मिला है बच्चों को? बच्चे को आज बना है, वही बना है। पुलाव मिला है, हाँ या ना बोलिए ना। पुलाव मिला है कि नहीं, सिर्फ हाँ या ना? आज बच्चे लोग को घबरा रही हैं क्या? नहीं वैसा नहीं है मैम, जस्ट अभी गई हैं इसलिए थोड़ा सा है नर्वस। और क्या, मैंने पुलाव आज नहीं बनाया ना। देखिए चावल को ही उसमें मैम छोला डाल ये डलवा देती है। चावल और पुलाव में अंतर होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। खाए हैं कि नहीं? बिल्कुल। बनाने आता है कि नहीं आपको? क्यों नहीं आता? तो फिर आप घुमा क्यों रही हैं हमको कि ये चावल है, चावल है? आप बोलिए ना कि पुलाव है मेन्यू में, लेकिन बच्चों को चावल मिला है, पुलाव नहीं बना है। ये क्यों नहीं कहते हैं कि पुलाव बना है, नहीं बना है? हाँ वही बना है। आप भी झूठ बोलिएगा, आप शिक्षक? नहीं बिल्कुल नहीं बोलेंगे, बना है वही बना है जो। आप आइए मेरे साथ आके देखिए क्या बना। इधर आइए आप, आइए आइए, आप अपने बच्चों से मिलिए ना। आइए नहीं सर, एक बार आ जाइए आप, इधर आइए मैडम आप। चलिए चलिए बच्चों आ जाइए। नहीं आप आइए ना, एक बार आप आइए हमारे साथ। आप भी आइए मैडम, आप भी आइए, आप दोनों आ जाइए एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है। जो बना है वो सामने है ना, वो पीछे थोड़े है। जो बना है वो सामने है, आप भी देख लेंगे, वो भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो बना है वो सामने है, आज मेन्यू में है पुलाव, और बच्चों को पुलाव खाने के लिए मिल रहा है कि नहीं वही देखने के लिए इस विद्यालय में हम आए हैं। इधर आइए, बच्चे अभी भोजन कर रहे हैं, आ जाइए। आप भी टीचर हैं? इधर आइए, यहाँ आइए आप, इधर आइए आप, यहाँ आइए। चावल पुलाव का मतलब समझते हैं, ये क्या है, पुलाव है कि चावल है? ये चावल है सर। आइए मैडम आप इधर आइए। पुलाव खाई हैं कभी आप? कैसा होता है पुलाव? रहता है और क्या, पुलाव तो ये क्या है, पुलाव है कि चावल है? चावल है। इधर आइए मैडम, एक्सक्यूज मी, पुलाव खाई हैं आप? बिल्कुल। ये पुलाव है कि चावल है? चावल ही है। इधर आइए, थोड़ा आप गौर से दिखाइए इसको, ये चावल है। तो अब एक बात बताइए, आप लोग तो नई नई शिक्षक आई हैं, आप लोगों से सरकार को काफ़ी उम्मीद है, आपकी प्रिंसिपल जो है वो ठग रही हैं कि नहीं लोगों को? ऐसा कुछ भी नहीं है, हाँ मेनू के हिसाब से बनना चाहिए था, वैसे चावल बनी है
जो पैसा बचेगा उसमें आपको भी हिस्सा मिलेगा? बिल्कुल नहीं, और हमको चाहिए भी नहीं। तो आप इतने मतलब सफाई क्यों दे रहे हैं? आप ये कहिए ना, क्या बच्चों को ठगा जा रहा है कि नहीं? नहीं नहीं ठगा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पिछले हफ्ता बना था पुलाव, लेकिन इस बार मैम को ध्यान नहीं रहा ना, तो चाची लगता भूल गई होगी, ऐसे बोली है हर शुक्रवार को बनाने के लिए पुलाव और चना। अपने आप प्रिंसिपल का जो है पक्ष ले रही है, सच बोलने का ताकत नहीं आपके ऊपर? ऐसा नहीं है, सरकार अगर पैसा दे रही है तो उस हिसाब से बनता है भोजन, हर डेली बनती है, उस हिसाब से बनती है। तो आज नहीं बना है तो आप क्या कार्रवाई करवाइएगा अपने प्रिंसिपल के ऊपर? आप कहिए डीएम साहब को एक्शन लेने के लिए, बोलिए आप। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हर वीक बनती है, आज नहीं बनी उसके मतलब आज हम देख लिए तो बोल रहे हैं कि आज नहीं बनी, हो सकता है हर बार नहीं बनता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे लोग से पूछ सकते हैं पिछले आज फल मिला है खाने के लिए? फल मिला है बाबू? फिर मुंडी हिला रहे हैं आप, दिस इज नॉट गुड। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको हम। आप बच्चों को गलत बोलने के लिए सिखा रहे हैं आप, यही आपका संस्कार है, यही पढ़ाएंगे आप बच्चों को? ऐसा कुछ नहीं है। आप मुंडी हिलाए कि नहीं हिलाए अभी आप? नहीं सुनिए ना, पहले आप सुनिए, ध्यान से सुनिए। जैसे कि आज मैम को थम में जाना था ना, तो मैम को सुनिए ना, जो आप कर रही हैं ना, हम डेली 50 स्कूल का रिपोर्टिंग करते हैं, मुंडी हिला के बोल रहे हैं कि आप इशारा कर रहे हैं कि बताइए कि बच्चों को फल मिला है आज, आप ज्ञान दे रहे हैं आप? नहीं वैसे नहीं मिलता है, नहीं सुनिए, कभी नहीं गलत बात है, पिछले हफ्ता फ्राइडे को मिला था ना, मिला था। आप दिखलाइएगा मैडम, मीनू दिखलाइएगा मीनू को चार्ट में क्या क्या है खाना बच्चों को। हम यहाँ के पुराने हैं, देखिए पहले सुन लीजिए, एक मिनट सर, ये मैडम बोल रही है कि बच्चों को आज पुलाव बना है, हम दिखा रहे हैं तो यहाँ चावल मिला है, एक मिनट रुकिए आप, अभी हम बोले कि बच्चा बताओ आज फल मिला, तो ये बच्चा बोल रहे नहीं, तो मैडम सिखा रही है मुंडी हिला के। नहीं देखिए आज आप सुनिए ना, आज नहीं मिला है, पिछले फ्राइडे को मिली थी, पूछ लीजिए बच्चे का। एक मिनट सर, आज का सरकारी मेनू के हिसाब से पुलाव और चना का, एक मिनट मैडम सुनिए ना, आप हमसे बात करिए, रुक जाइए आप, हम इधर बात करिए। विद्या की देवी कौन होती है? सरस्वती। आप सरस्वती माँ का कसम खाकर कहिए कि अभी मुंडी हिलाकर बोल रही थी नहीं कि, आप बोलिए हाँ, जैसे कि हम बोल रहे थे, जैसे आप बच्चे मुंडी भी हिलाएं कि नहीं, हाँ या ना? बच्चे लोग को आप जैसे, अरे आप कितना झूठ बोलिएगा, आप महिला हैं, अच्छा, आपका भी बच्चा होगा, बच्चों को सिखाइएगा, इन लोगों को झूठ बोलने के सिखा रहे हैं, गांव वाले बच्चों के लिए आप? नहीं जैसे आप बोले ना, कोई बोला कि हर फ्राइडे को नहीं मिलता फल, ये गलत बात है। हमने ये बोला, अब कौन बोला उसका हम ठिकाना लिए हैं, अभी हमने इसे पूछा था, मुंडी हिलाई ना मैडम की, तुम बताओ कि हाँ हिलाई ना अभी बाबू, देखिए एक बच्चा जो है सही बोल रही है। जैसे कि हाँ, क्या मैडम आप लोग कहाँ से आई हैं आप? यहीं से कहाँ से? गया से ही है। गया से हैं, मगध की धरती, बुद्ध की धरती, ज्ञान की धरती, मोक्ष की धरती, और झूठ बोलने वाली हैं आप? सुनिए ध्यान से, आप पहले आरोपित लगा दिए कि पूरे कभी नहीं मिलता, ऐसा कुछ हमने बोला कभी नहीं मिलता, अभी कैमरा खोल के दिखाए हम, ये गांव वाले लोग बोले हैं, गांव वाले बोले हैं, डेली से बात नहीं है, मीनू की बात है। एक मिनट, कितने शिक्षक हैं विद्यालय में टोटल, कितने शिक्षक हैं? टोटल 7 टीचर हैं। कहाँ हैं 7 टीचर आपके? अभी 4 टीचर का थंब इम्प्रेशन है ना, आज सबको पता है कि पूरे फतेहपुर प्रखंड के सारे नियोजित टीचर का 3 से 4 बजे के बीच से स्टार्टिंग था, तो मैम अभी जस्ट यहाँ से निकल के गई है। 3 बजे है? अरे तो जाने में टाइम तो लगेगी ना, गया में, अच्छा जाने में टाइम लगेगी, तो मैम अभी जस्ट निकली है 12:30 बजे। अच्छा, 2.5 घंटा जाने में लग ही जाएगा, है ना मैम? लिखित में गई हैं, आवेदन लिख कर गई हैं कि हम जा रहे हैं, सिंपल, और हम क्या कर सकते हैं। ये बीपीएससी वाले आए हैं, इनसे भी काफी उम्मीद था, ये लोग भी जो है वैसे ही बन गए जैसे नियोजित वाले थे, ये लोगों को भी झूठ बोलने का आदत लग गया है, ये स्थिति है। आप स्कूल में आए, एक मिनट सर, जाइए क्लास करवाइए। नहीं आप लोग कुछ सर, ये बीपीएससी वाले से उम्मीद था बदलाव का, लगता है बदलाव करेंगे। यही मेरा उम्मीद था कि हमारे गाँव का भविष्य जो है, बच्चा होता है किसी भी गांव का, इन लोगों का भविष्य कुछ उज्जवल होगा, लेकिन आप लोगों को देखने के बाद जब झूठ बोलना आप लोग सिखा रही हैं मैडम, एक आदमी के बदलने से अगर पूरा समाज बदल जाएगा, स्कूल का नियम तुरंत चेंज हो जाएगा, तो हम ये बहुत बड़ी बात होगा। मैडम अब इसका अच्छा, एक एक अकेले का बदलने से नहीं बदलेगा, तो एक जो सही है वो भी चोर बन जाए। नहीं देखिए, कहने का मतलब अभी हम लोग नए हैं, हम लोग कुछ बोलने का हक नहीं मिला, राइट्स नहीं मिली है, फंडामेंटल राइट्स। तो एक मिनट, आप जिस धरती पर जिस देश में पैदा हुआ है ना, पैदा होता है आपको फंडामेंटल राइट मिलता है, समझ गए ना? आप समझ नहीं रहे कि हाँ अभी हम लोग नए ज्वाइन किए हैं, हमें ऐसे राइट्स नहीं मिले हैं। डरिएगा तो नौकरी करिएगा मैडम, आपको डर लगेगा प्रिंसिपल से, डरिएगा गांव वालों से, डरिएगा पत्रकार से, आप सही रहिए ना, आप जोर से बोलिए, आप जब सही रहेंगे तो जोर से बोलेंगे, हम जब पूछने आपसे क्या उसी समय कह देते कि भैया आज मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं बनाया, बात खत्म था, आप घुमाने लगे हमको, अब बच्चों को भी मुड़ी हिला के सिखा रहे हैं। नहीं वैसे तो हम बोले थे कि चावल और चना ही बना है। 8 क्लास के बच्चे कौन है? लड़की इधर आओ, तुम इधर आओ, इधर आओ, इधर बैठे, इधर आओ, तुम यहाँ डरने की बात नहीं, इधर आओ। 8 क्लास की हो ना? नहीं किस क्लास की हो? यहाँ क्लास में, ठीक है, इधर आ जाओ। बोर्ड मास का फुल फॉर्म बताओ।
बताओ बडमास का फुल फॉर्म आप बताइए। बरेकट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एंड एंड सबस्ट्रैक्शन फिर से बताइए। बोर्ड मास बरेकट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बी से बोर्ड मास बरेकट ऑफ बी से बोर्ड मास का मल्टीप्लिकेशन बी ओ डी पहले होगा एम बाद में लीजिएगा डी का मतलब ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सबस्ट्रैक्शन। बहुत अच्छा, ये बच्चे को ईमानदारी से पढ़ाइए यही उम्मीद करते हैं हम लोग। ईमानदारी से ही पढ़ाते हैं हम लोग। आप तो बेईमान हैं, आप झूठ बोलने वाले में से हैं आप। बिल्कुल भी नहीं है सर, अभी हम अभी आप एक सच अगर बोलते ना तो सब बात मानते। बहुत उम्मीद है मैडम आप लोगों से, बीपीएससी से आप लोग आए हैं, बहुत उम्मीद है। अगर पढ़ाई के हिसाब से बच्चे से पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कि टीचर पढ़ाती है कि नहीं, क्या पढ़ाती है। हमने ये कहा, हमने ये कहा कि आप नहीं पढ़ाती, हमने ये कहा। आप हमसे सवाल नहीं कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम अभी कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, ठीक है बाबू, यहाँ बाबू यहाँ आप इस बच्ची को जो पढ़ाएं आप उससे रिलेटेड सवाल करिए, पूछिए, कोई क्वेश्चन पूछिए आप। अच्छा बताओ, सूरज किस दिशा में उगता, किस डायरेक्शन में उगता। चुप रहिए आप लोग, कोई बात नहीं, आप हम मानते हैं पढ़ा रहे हैं आप, और कुछ और पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, दो में से चार ऐड करेंगे तो क्या होगा, दो प्लस फोर क्या होगा, टू प्लस फोर क्या होगा, दो को चार से जोड़ोगी तो क्या होगा। अच्छा सुनो सुनो, इधर मैडम जो पूछ रहे थोड़ा अंग्रेजी में पूछ रहे हैं, हम पूछते हैं चार जोड़ दू क्या होगा। कोई बात नहीं, ठीक है, घबरा रही होंगी, मानते हैं कि आप पढ़ाती होंगी उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ईमानदारी से बोलना सीखिए। क्लास में पढ़ती है बेटा? बढ़िया से। किस क्लास में पढ़ती है? ये लोग तो छोटा ही क्लास है ना, फाइव क्लास। कितना आप मैडम चुन रहे हैं, कितना क्लास में पढ़ते हैं आप? एट में पढ़ती हो तुम? साल नहीं हो ना, साल नहीं है, एट क्लास में है ये। ये एट क्लास की बच्ची है? मैडम इसके ये गलती इसका नहीं मैम, आप खुद एट क्लास का स्टूडेंट है और चार और दो नहीं पता। आप एट क्लास में पढ़ती हैं? अच्छा, 12 प्लस 12 क्या होगा? इसी से आप लोग से पूछिए। मैडम देखिए ना, ये अगर मैं भी डर नहीं, आप उस पर ध्यान दे रहे हैं, इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? ये देखिए सर, अब हम ईमानदारी से बताते हैं, अगर कोई अब ईमानदारी से बताएंगे अब अगर हम कोई घर बनाते हैं तो जस्ट उसका जो पिलर अगर मजबूत होगा तो वो घर भी मजबूत होती, ठीक है ना सर। हमारे आए हुए दो तीन महीना से जो बच्चे यहाँ 8 साल से ही पढ़ रहे हैं ना, 8वां में गए, इसका मतलब ये 1 क्लास से पढ़ रहे होंगे। जवाब दूंगा मैं आप, अगर मान लीजिए इस बच्चे पे कुछ ज्यादा अगर ध्यान फोकस रहता ना तो आखिर इनका भी पिलर मजबूत होता, ठीक है ना। मगर हम लोग कोशिश कर रहे हैं सर, और इतना जल्दी नहीं बच्चों का विकास हो सकता है। तो कमजोर बच्चों को ही दिया जाता है सर, आपको नहीं। बच्चा अपने आप पढ़ लेगा मैडम, बिल्कुल जाइए आप क्लास करवाए आप सब कोई बात। हम पकरी विद्यालय में आए थे और यहाँ का जब पोल खुला तो मैडम बहाना पर बहाना करने लगी और बच्चों को मुंडी हिलाकर जो झूठ बोलना भी सिखा रही है। जेके न्यूज 24/7 के लिए मैं समर राठौर गया से।